तो दोस्तों YouTube पे जितने भी नए क्रिएटर हैं, जितने भी नए यूट्यूबर हैं, YouTube पे नया अपना चैनल बनाते हैं, उन लोगों को YouTube एक टारगेट देता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा का वॉच टाइम अगर आप अपने चैनल पे पूरा करते हैं तो आपका चैनल YouTube रिव्यू में मोनेटाइजेशन के लिए भेजा जाता है और आपके चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको आपके चैनल पे एड चलाया जाता है और उस एड और विज्ञापन के आपको पैसे दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको एक साल वेट करने की जरूरत नहीं है, एक साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपके 4 से 5 दिन में मैं 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करवा दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में दी गई जानकारी एक नए यूट्यूबर एक नए क्रिएटर के लिए काफी फायदेमंद है। आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा तो आपको कभी भी 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 के सब्सक्राइबर के लिए कहीं जद्दोजहद करनी नहीं पड़ेगी, कहीं सोचना नहीं पड़ेगा कि यार आपके 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरा होंगे। दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है यार, वीडियो का एक पार्ट भी एक सेकेंड भी अगर आप मिस कर देते हो, 1 से 2 सेकेंड भी मिस कर देते हो तो आप इस चीज को समझ नहीं पाओगे और आप समझ नहीं पाओगे तो चैनल पे कहां से अप्लाई करोगे, आपके कहां सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल नया ट्रिक है और इसको मैं खुद अपने चैनल पे अप्लाई किया हूं और आप मेरे चैनल का रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और वीडियो करते हैं यहां से शुरू। तो दोस्तों यहां से हमें YouTube ने खुद ये फीचर दिया है, YouTube खुद हमें बताता है कि आपको क्या करना है जो आपका वीडियो वायरल हो, आपके सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो दोस्तों YouTube के फीचर का ही मैं आपको इस्तेमाल करने को बोलूंगा, कोई अदर साइट का इस्तेमाल करने को नहीं बोलूंगा। जो अदर साइट का यूज आप करते हैं तो वहां से आपको सब्सक्राइबर तो मिल जाता है लेकिन आपका कोई वीडियो नहीं देखता, तो इससे क्या होता है आपका चैनल डेड हो जाता है, मतलब काफी बेकार हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूं और सामने वाले यूट्यूबर की भी मैं फीलिंग समझता हूं, क्योंकि कोई भी बंदा यूट्यूब पे आता है ना तो यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए आता है, यूट्यूब पे मेहनत करता है और यूट्यूब से पैसा मिले इसीलिए आता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, इस वीडियो को स्किप करके भगा भगा के नहीं देखना है क्योंकि यूट्यूब पे बिल्कुल नया तरीका है जो मैं खुद पर्सनली यूज किया हूं, वही तरीका आपको बताऊंगा, बिल्कुल जेन्युइन तरीका। तो दोस्तों यहां से यूट्यूब को मैं ओपन करता हूं। तो दोस्तों इस जगह मैंने YouTube को ओपन कर लिया। अब आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे हमें करना क्या है, जो सेटिंग करना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली यहां एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहां एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पे देखना है क्या करना है आपको। दोस्तों आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल है आप बेफिक्र इस चीज को यूज कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी कुछ समस्या नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ नीचे आते हैं, आप देख सकते हैं सारे वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब मान लीजिए आपका, जैसे आप कॉमेडी चैनल क्रिएट करते हो, मान लीजिए आपका कॉमेडी का चैनल है तो आप इनके वीडियो में आपको काम करना है, यहां से आपको मिलेगा वायरल ट्रिक। और मान लीजिए आपका कॉमेडी रिलेटेड चैनल है, जैसे आप हरियाणी कॉमेडी बनाते हो तो आपके आपको यहां से इस वीडियो में मिल जाएगा। और मान लीजिए आप कोई खेल से रिलेटेड चैनल बना रहे हो, मान लीजिए आप स्पोर्ट्स चैनल हो तो आप यहां से ही आपको मिल सकता है वो। और भी आप देख सकते हैं, हाँ बहुत से अदर बहुत से चैनल है। आप शॉर्ट वीडियो क्रिएटर हो तो आप देख सकते हो को इस जगह से मिल जाएगा वो वायरल ट्रिक, आपको यहां से करना है। काफी शॉर्ट वीडियो है, जिस भी कैटेगरी का आप शॉर्ट वीडियो खोजना चाहो यूट्यूब पर वो आपको यहां पे मिल जाएगा। यहां सारे वीडियो ट्रेंडिंग में है दोस्तों, आप देख सकते हो सारे वीडियो ट्रेंडिंग में है, कोई भी वीडियो पे कम व्यूज नहीं है। यहां 2 दिन में 12 मिलियन और यहाँ 2 दिन में 47 मिलियन, दोस्तों यहाँ मिलियन में व्यूज जा रहा है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे करके, और भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल हो आप खोज खोज के यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों आपको ब्लॉगिंग का चैनल है तो सौरभ जोशी ब्लॉग को आप यहाँ से आपको मिल सकता है। ब्लॉगिंग चैनल तो बहुत यार जबरदस्त फाड़ के वायरल हो रहा है, तो यहाँ आप देख लीजिए 12 घंटे में 4 मिलियन है यहाँ सौरभ जोशी ब्लॉग, आप देख सकते हैं। और भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे गेमिंग का चैनल है तो आप गेमिंग के चैनल पे आप देख सकते हैं 2 दिन में 5,83,000 व्यूज, यहां से आपको वायरल सेटिंग मिल सकता है, आप यहां से वो ट्रिक वो कर सकते हैं। ये गेमिंग का चैनल है, आप यहां से वो ट्रिक आपको मिल सकता है। तो आपका जिस कैटेगरी का चैनल है अगर वो कैटेगरी का वीडियो यहाँ पे नहीं मिलता आपको ट्रेंडिंग में, तो मैं दूसरा चीज और बताऊंगा जिसको आप अप्लाई करेंगे, उससे क्या है वो थोड़ा कम काम करेगा। मान लीजिए 100% काम करेगा तो वो आपका 80% ही काम करेगा, लेकिन काम वो भी करेगा यही, और ये तो बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। तो दोस्तों क्या करना है आपको, मैं फिर यहां से ऊपर आ जा रहा हूं, आपको यहां दिखा देता हूं। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे क्या है,
इस जगह पे आपको म्यूजिक मिल जाता है, जिनका म्यूजिक का चैनल है वो यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। म्यूजिक वालों के लिए यहाँ से उनका सारा कैटेगरी मिल जाएगा, वो यहाँ से काम कर सकते हैं। बाकी और देखिए यहाँ पे जिनका फिल्म्स चैनल है, स्पोर्ट्स, जिनका फैशन और ब्यूटी से वो यहाँ से ले ले, जिनका गेमिंग पे है, न्यूज पे है और लर्निंग पे है, ये सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी का वीडियो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आप एक चीज ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से आप इस जगह पे सर्च आइकन पे आएंगे। यहाँ पे सर्च आइकन पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च मारना है मटर, मान लीजिए मटर पनीर रेसिपी। तो यहाँ पे जैसे मैंने सर्च मारा मटर पनीर रेसिपी, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फर्स्ट वीडियो, मान लीजिए कुकिंग से रिलेटेड अब है, तो यहाँ यार बिल्कुल व्यूज की तो बारिश हो जाएगी। ये देख सकते हैं 89 मिलियन व्यूज गया है मटर पनीर, घर पे बनाए एकदम रेस्टोरेंट जैसा मटर पनीर। तो यार आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, और इसको यूज करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए इनके एक ही वीडियो, सिर्फ ये एक वीडियो वायरल हुआ और इनके 4.16 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। मुझे तो लगता है इनका यही वीडियो ज्यादा वायरल हुआ होगा। दोस्तों यहाँ से बैक आ जाते हैं, दिखाते हैं आपको इस सब में करना क्या है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या करना है आपको, सेम प्रोसेस है जो भी मैंने पहले बताया, ट्रेंडिंग में जाके आपको करना है, जो भी कैटेगरी का चैनल है उसमें जो यूज करना है वही चीज इसमें भी यूज करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या करना है, सिंपली आपको इस जगह 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन आज मिलेगा, एक शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी लिंक कर लेना है। अब यहाँ से आप कॉपी लिंक करते हैं तो यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ से बैक आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अब यहाँ से हम बैक आ गए, और दोस्तों जितने भी कैटेगरी है सब में यही प्रोसेस है, मैं आपको पहले ही बता दूं सब में यही प्रोसेस है। अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप वीडियो सिलेक्ट करते हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे यार, अपने कैटेगरी के हिसाब से अपना वीडियो सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है वाइट टूल। बहुत ही पुराना ये एप्स है, इस एप्लीकेशन से आप सारा चीज कर सकते हैं। तो यही एप्लीकेशन दोस्तों आपका वीडियो वायरल करा सकता है। अब दोस्तों क्या करना है, इसको यहाँ एप्लीकेशन वाइट टूल ये रहा, मैं इस पर क्लिक कर लिया। अब सेम प्रोसेस है दोस्तों सभी कैटेगरी के लिए, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, गेट फ्रॉम, ये गेट टैग फ्रॉम URL, यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी लिंक जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी का लिंक को आपने कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट करना है, शेयर करके कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ पे थोड़ा मैं दबा के रखूंगा एक सेकेंड तक, ये पेस्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ गो कर देना है। अब दोस्तों यहाँ गो कर दिए, अब गो करने के बाद क्या है, यहाँ देखिए क्या आ गया, यहाँ पे जो भी उन्होंने अपने वीडियो में टैग लगाया था, जिन टैग के कारण उनका वीडियो वायरल हुआ था और 89 मिलियन पे चला गया यार, ये देखिए यहाँ ऊपर में भी यहाँ शो कर रहा है, दिखा रहा है 89 मिलियन, 89 मिलियन चले गया, यानी ये टैग तो बिल्कुल दमदार होगा। ऐसे टैग को यार अपने वीडियो में यूज करोगे तो 89 मिलियन नहीं जाए तो कम से कम 10 मिलियन पक्के ही है। तो चलिए दोस्तों अब बताता हूं मैं आपको करना क्या है। सिंपली इस टैग पे यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे कॉपी सेलेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ कॉपी सेलेक्ट पे क्लिक कर लिए, अब यहाँ से हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों क्या करना है, जो भी वीडियो आपने अपलोड किया है ना उस वीडियो को यहाँ टैग्स में आना है, और आपको थोड़ा प्रेस करके यहाँ पे रखना है और इस तरह पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद क्या करना है आपको, ये जो तीर वाला नीचे आइकन है यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपका टैग लग गया। और फिर यहाँ से बैक आना है, फिर मान लीजिए इसको ऐसे कर देना है, फिर दूसरे वाले पे क्लिक करना है, कॉपी सेलेक्ट पे क्लिक करना है। कॉपी सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ इस तरह से आके पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों आपको जितने भी टैग हैं सारे टैग आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और इसी तरह सेम प्रोसेस है सब में काम करना है। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह का इन्होंने टैग लगा रखा है। और दोस्तों एक चीज और है, आपको क्या करना है, यहां से इनका डिस्क्रिप्शन कॉपी करना है। ये ऊपर में आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस जगह पे आप क्लिक करते हो तो डिस्क्रिप्शन, इनके डिस्क्रिप्शन में जितने भी कीवर्ड थे वो सारे एक बार में कॉपी हो गए। अब यहाँ पे आना है इस तरह से, और यहाँ थोड़ा बैक आ जाना है, और इस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके पेस्ट कर देना, इनका सारा चीज यहाँ कॉपी हो गया।
अब इनके सारे चीज कॉपी हो गया तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, पहले उसे मैं बता दूं क्या खत्म करना है आपको जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पे जैसे ये देखिए ऊपर टाइटल हो गया और नीचे ये टैग वैग है, ये सब तो रहने देना है। बाकी यहां से क्या करना है, इनके जितने इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह और बाकी इन्होंने जो यहाँ पे वो डाल रखा है कीवर्ड अपने इंस्टाग्राम से रिलेटेड, इस तरह सबको कॉपी कर लेना है, इस तरह कॉपी कर लेना है। यहां से कट वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहां से कट होके डिलीट हो जाएगा। तो ये सारे उन्होंने जो भी अपने सोशल मीडिया का लिंक डाल रखा है उनको यहां से कॉपी कर देना है। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना है। अब यहां से बैक आना है इस जगह से और यहां से आपको सेव कर देना है। इस जगह से आपने सेव कर दिया, अब फिर यहां से वापिस आना है हमें। अब क्या करना है, हमको इनका टाइटल कॉपी करना, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें इनका टाइटल है। दोस्तों क्या करना है, इस जगह पे आप दबाते हैं कॉपी टाइटल पे, इस जगह पे तो इस तरह कॉपी टाइटल हो जाएगा। अब यहां से फिर आपको बैक आना है, फिर बैक आने के बाद आपको ये पेंसिल वाले आइकन पे जाना है और फिर यहां पे आपको ये देखिए इस जगह टाइटल का ऑप्शन मिलेगा, इस जगह टाइटल का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ से क्या करना है, इस जगह पे थोड़ा दबा के रखना है और आपको इस तरह पेस्ट कर देना है। अब ये पेस्ट कर देने के बाद अब जो जगह यहाँ पे बच रहा है तो इस तरह थोड़ा स्पेस देके और ये इस तरह लगा के यहाँ पे अपने जैसे यहाँ पे 92 कीवर्ड हो गया है, 100 कीवर्ड हमें यहाँ पे मिलता है लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम डाल दिया, यहाँ पे विक्रम डाल देता हूँ, आगे पांडे तो नहीं लिखा पाएगा लेकिन विक्रम डाल देता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ। ये हो गया। अब इसी तरह दोस्तों सेम प्रोसेस सभी कैटेगरी के लिए है, इस तरह आपको करना है। और दोस्तों इस तरह आप करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके 4 से 5 दिन में 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएंगे और आपका भी वीडियो वायरल होगा। तो दोस्तों वही ट्रेंडिंग वाले वीडियो के साथ आपको सेटिंग करना है, क्योंकि ट्रेंडिंग में जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग में वीडियो हमेशा चलते हैं और उस वीडियो पे हमेशा व्यूज आते रहता है। तो इसका मतलब उस ये जो आप टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन लगाएंगे ना तो उस वो जो वीडियो आपका देखेगा, जैसे इनका 89 मिलियन गया, ये 89 मिलियन वाला जब वीडियो प्ले होगा तो इसके नीचे कहीं ना कहीं, हमेशा तो नहीं कह सकता हूँ दोस्तों, लेकिन जैसे मान लीजिए 100 बार वीडियो प्ले हो रहा तो 10 बार आपका वीडियो सजेस्ट में जरूर जाएगा। और मान लीजिए 1 मिलियन वीडियो पे व्यूज जाता है तो आपके वीडियो पे कम से कम 1-2 लाख व्यूज तो जाने ही जाने, इस तरह से आपका वीडियो वायरल होगा। और वीडियो वायरल होगा तो यार जाहिर सी बात है आपके सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इस तरह से दोस्तों करना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो यार अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब।